अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस्टिव स्पेशल बीटरूट की मिठाई, जो मुँह में डालते ही घुल जाती और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। शुरू करने से पहले, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले ली ये 1 किलो बीटरूट, इसका छिलका निकाल लेना है और इसको कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए, ये मैं बीटरूट को कद्दूकश करके रख ली। इसका नेचुरल कलर रहता है, इसमें कलर भी हम ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा कलर और इसका टेक्सचर रहता। कद्दूकश किया हुआ बीटरूट हम एक बर्तन में डाल देंगे, जिसमें हमको इसको गलाना है, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध, ये फुल फैट मिल्क है और नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क है ये। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। मैं इसको ढक्कन ढाँप के 2 से 3 मिनट पका ली। अब फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे, जिससे ये हमारा बीटरूट अच्छे से गल जाता। और जो इसमें देखिए, ये पानी जो नज़र आ रहा, ये ख़त्म हो जाना है जब तक हम इसको गला लेंगे। तो मैं फ्लेम को लो कर दी, इसको 5 मिनट के लिए गला ली। अब जब तक वो गल रहा, हम चाशनी तैयार कर लेंगे। 300 ग्राम शक्कर ले लेना है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। इसको चिपचिपी चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ शक्कर को डिज़ोल्व करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। इसकी जगह आप रोज वाटर भी ऐड कर सकते, या फिर आप के पास रोज़ वाटर भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते। देखिए, ये पकते हुए 10 मिनट हो गए और हमारा चुकंदर बीटरूट अच्छे से गल गया और पानी भी इसमें का ड्राई हो गया। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। ये असली घी है, असली घी में बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनता है असली घी का। घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे से भूनना है हमको 5 मिनट तक। इसको इसी तरह से भूनना है, इसमें की जो कच्ची स्मेल है ये चले जानी चाहिए जब तक हम भूनेंगे। देखिए, इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए। अब जो चाशनी हम रेडी करके रखे थे, वो चाशनी हम बीटरूट में डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, आप बीच बीच में इसको हिलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेता, दाग लग जाता। तो इसको कंटिन्यूसली हिलाना है। मेरे पास ये थोड़ा सा खोआ था, तो ये खोआ मैं इसमें ऐड कर दे रही। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना बग़ैर खोए के भी बहुत ही मज़ेदार हमारी मिठाई बनके रेडी होती। खोआ डालने के बाद हम जब तक पकाएंगे, जब तक कि ये जो शीरा हम डाले थे ड्राई नहीं हो जाता। तो हाई फ्लेम पर मैं पका रही है, देखिए इसमें का शीरा कम हो गया, मैं इसको और थोड़ा ड्राई कर लेती। देखिए आप, ये ड्राई हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद में जिस मोल्ड में भी हमको इसको सेट करना है, वो मोल्ड पे हम घी लगा लेंगे। तो थोड़ा सा घी मैं इसमें डाल दिया, आप चाहे तो ब्रश की मदद से या हाथ से भी इस तरह से घी को स्प्रेड कर लीजिए। आप इसको स्टोर करके भी 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते, और बहुत ही मज़ेदार हमारी मिठाई बनके रेडी होती। अब जो हम मीठा बना के रखे थे, आप इसको इसी तरह मीठे की तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते, या फिर आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते। तो जो मोल्ड में मैं घी लगाई थी, उस मोल्ड में हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, ये मैं सारा मीठा इसमें डाल दी। अब इसको स्पून की मदद से हम इस तरह से लेवल कर देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। इस तरह से स्प्रेड कर लेना है और चमचे से थोड़ा सा टैप करते हुए इसको लेवल कर दीजिए। ये देखिए, ये मैं इसको अच्छे से लेवल कर दी। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, जिससे ये सेट हो जाता। 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही, देखिए ये बर्फ़ी सेट हो गई। तो अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। आप जो भी शेप आपका दिल चाह रहा हो, उस शेप में आप कट कर सकते। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर में इसको कट कर ली। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और झटपट बनके भी रेडी हो जाती है। आप इसको
स्टोर करके कई दिनों तक रख के फ्रिज में खा सकते हैं। चलिए अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती। देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर रहता, मुंह में डालते ही ये घुल जाने वाली बर्फ़ी है, बच्चों को बेहद पसंद आएंगी और जिसको खून की कमी है वो इसको बना के खा सकते। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।